ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी में आज से कर्फ्यू, सोमवार सुबह तक लगने वाले कर्फ्यू को लेकर जयपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के सख्त पहरे में राजधानी रहेगी। जयपुर शहर में करीब 120 जगहों पर नाकाबंदी लगाई गई है। हर नाकाबंदी पॉइंट पर 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस को सरकार की ओर से दिया गया है फ्री हैंड। थानों की 70% पुलिस सड़कों पर तैनात रहेगी। कोविड और कर्फ्यू गाइडलाइन की पालना कराने के लिए सख्ती से निपटेगी ये पुलिस। और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश इस सबकी मॉनिटरिंग करेंगे। मास्क नहीं पहनने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहने वाला है। तो पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है और अब राजधानी जो है वो पुलिस के प्रहरे में रहेगी। और हमारे सहयोगी राकेश गोसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2 दिन का ये लॉकडाउन होगा? देखिए, जयपुर कमिश्नरेट के सभी पुलिस पॉइंट्स के ऊपर पुलिस कर्मी मौजूद रहने वाले हैं। शहर के अंदर 6 बजे कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, इसलिए अनावश्यक रूप से हमारे दर्शक जो कि इस समय पर इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनके लिए खबर है कि अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना निकले। जरूरी काम है तो आज दोपहर तक उसे पूरा कर ले, उसके बाद में कर्फ्यू रहेगा। शहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि सप्ताह के अंत में ये कर्फ्यू रहने वाला है, 2 दिन का कर्फ्यू है, यानी कि आपको सोमवार सुबह तक इसी तरीके से घर के अंदर रहना पड़ेगा जो तकरीबन पिछले वर्ष हुआ था। बहरहाल 120 से अधिक अलग अलग चेक पॉइंट बनाए गए। इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट के 1500 से अधिक का जाब्ता डिप्लॉय किया गया शहर के अलग अलग पॉइंटों के ऊपर। शहर में बाहरी जिलों से आने वाले लोगों पर भी सख्ती रहेगी। समय से पूर्व अगर वो आते हैं तो उनको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, साथ ही कोविड टेस्ट की भी रिपोर्ट उन्हें दिखानी पड़ेगी। बहरहाल पूरे प्रदेश भर में ये सख्ती लागू रहेगी और पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इस आदेश की कड़ाई से पालना होनी चाहिए। लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोविड एक्ट के तहत मुकदमे फाइल होने चाहिए और साथ ही अगर कोई लापरवाही करता हुआ पाया गया तो न केवल चालान अपितु धाराओं के अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। बहरहाल मैं बता दूं, आज जयपुर कमिश्नरेट में कल शाम को जिस प्रकार से लापरवाही देखी गई उसके बाद 23 मुकदमे अलग अलग थाना सर्किल के अंदर दर्ज किए गए। जो व्यक्ति लापरवाही कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, शहर में बिना मास्क के घूम रहे थे, इसलिए अब क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है, जिस प्रकार से कोविड दिनों दिन फैलता जा रहा है, ये संक्रमण की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए गृह विभाग की जो आदेश है उसकी पालना आज शाम से हो जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश।